So, hello and welcome. A very warm good evening to all of you, and I welcome you all to an Academy Impulse program जहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको प्रीलिम्स 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो उसी की फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है. मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, एंड काफी हद तक हमने लगभग 60% ऑफ क्लाइमेटोलॉजी कवर कर लिया है. तो आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्लाइमेटोलॉजी में. हम अलग अलग ज्योग्राफिक रीजन्स, क्लाइमेटिक रीजन्स को समझने वाले हैं, एंड कह सकते हैं बहुत ही कंसेप्चुअली एनरिचिंग क्लास होगी, कॉम्प्रिहेंसिव क्लास होगी. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसको सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपका जो काम है वो पूरा निपटाएं. तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं आज की क्लास. आज हम सब समझने वाले हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट, सवाना क्लाइमेट, सबकी कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे. एंड कंसेप्चुअल है, लॉजिकल है, सब कुछ कनेक्टेड है, तो इस तरीके से करने वाले हैं. तो तैयार हो जाइए. तो देवी और सज्जनों, कुर्सी की बेटी बांध लीजिए. चलिए शुरू करते हैं. तो दोस्तों, अगर आप देखिए तो अनअकैडमी क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. यहां पर आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, और साथ साथ आपको मिलता है इनका अनलिमिटेड एक्सेस. तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, जैसे भी आप यूजर हैं उसके अनुसार डाउनलोड करें. डाउनलोड करके ये मेरी प्रोफाइल है, मुझे यहाँ पर फॉलो करें. फॉलो क्यों करें? क्योंकि मेरे द्वारा बनाया गया है फ्री कंटेंट ढेर सारा. कंप्लीट एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, कंप्लीट कोर्स ऑन ओशनोग्राफी, ये सब कवर्ड है. एंड साथ ही डेली 10 PM क्या होगी, क्विज भी होने वाली है इस महीने, तो वो भी आप ज्वाइन करें. क्विज होती है, 25 सवाल होते हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, तो वो भी आपको मिलेगी. एनवायरमेंट की क्लास रेगुलर लूंगी, यस, रेगुलर मैराथन रखेंगे इस महीने में. एनवायरमेंट निपटाना है हमें, तो कल भी होगी 2 से 5 एनवायरमेंट की मैराथन. बिल्कुल, राम राम बॉबी जी, गुड इवनिंग शीतल, गुड इवनिंग स्नेहा. तो चलिए, तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए, मेरा नाम किंजल चौधरी है. मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में इंटरव्यू दिया है, 5 बार मेंस दिया है. इसके सिवा अब तक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड में अक्रॉस इंडिया अलग अलग जगह मेंटर किया है. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं, सारी PDF अवेलेबल है वहां. इसके सिवा दोस्तों आपको बता दूं, अनअकैडमी में इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटर्स हैं यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में. और इन टॉप एजुकेटर्स अगर आप देखें तो इन्होंने यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में 16,000 से भी ज्यादा कोर्सेज बनाए हैं. ये सारे कोर्सेज आपको उपलब्ध हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करते हैं. तो जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है प्लस सब्सक्रिप्शन की, 1 साल की है 49,500 रुपीज, 2 साल की 72,000 रुपीज, 3 साल की 90,000 रुपीज. और जब आप कोड KC10 यूज करते हैं तो आपको मिलता है इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. 1 साल की कॉस्ट हो जाती है 44,550 रुपए, 2 साल की 64,800 रुपए, 3 साल की 81,000 रुपए. अगर आप 1 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मेरी तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट मेंटोरशिप भी मिलती है, यानी कि मैं आपका गाइड भी रहूंगा, आप मुझसे बस एक कॉल की दूरी पर रहेंगे. तो दोस्तों अगर हम देखें तो आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी है. आइकनिक सब्सक्रिप्शन इज वन स्टॉप सॉल्यूशन, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन की तैयारी आइकनिक से हो जाएगी. प्रीलिम्स मेंस अच्छे तरीके से, आपको एक पर्सनल कोच असाइन होते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज मिलती है, आंसर राइटिंग भी, मतलब डेली आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस होती है, डेली 2 सवाल मिलते हैं. स्टडी प्लानर आपके अनुसार कस्टमाइज किया जाता है, स्टडी बूस्टर सेशंस मिलते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स मिलती है, और डेली कंटेंट भी मिलता है. तो ये सब आपको मिलेगा आइकनिक सब्सक्रिप्शन में. इसकी कॉस्ट है 1 साल की 69,500 रुपीज, 2 साल की 1,07,000 रुपए, 3 साल की 1,41,000 रुपए. और जब आप कोड KC10 यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा. 1 साल की कॉस्ट हो जाएगी 62,550 रुपए, 2 साल की 96,300 रुपए, 3 साल की 1,26,900 रुपए. 6 महीने या उससे अधिक के सब्सक्रिप्शन में नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है. तो एंड अगेन आइकनिक भी लेंगे तो मैं आपका एडिशनल मेंटर भी रहूंगा तब भी. अगेन दोस्तों अगर आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन देखें तो उसमें आफ्टर यूजिंग द कोड 10KC10 यानी 10% डिस्काउंट के बाद उसकी 1 साल की कॉस्ट है 24,750 रुपए, 2 साल की 36,000 रुपए, 3 साल की 45,000 रुपए. 31 जनवरी से अनअकैडमी कॉम्बैट स्टार्ट होने वाला है. अनअकैडमी कॉम्बैट है सुबह 11 बजे. तो 45 मिनट्स का क्विज है, 6 सेक्शंस हैं, 60 क्वेश्चंस हैं, रिलेटिव स्कोरिंग है, 13 कॉम्बैट्स है, फोर्टनाइटली कंटेस्ट है. रैंक 1 टू रैंक 3 को 3 मंथ्स की अनअकैडमी की GS+ सब्सक्रिप्शन मिलेगी.
1000 रुपीज के अमेजन गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे रैंक 4 to रैंक 150। इसके सिवा रिसेंटली नए बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं, तो अभी टाइम है ज्वाइन करने का अन अकेडमी। तो ये बैचेस अगर आप देखें तो सीएससी प्रीलिम्स के लिए है, तो 2021 प्रीलिम्स के लिए डिजाइन है। कुछ बैचेस देखे तो 2022 प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए डिजाइन है, कुछ बैचेस 2023 प्रीलिम्स मेंस के लिए डिजाइन है, कुछ बैचेस एनसीईआरटी बैचेस हैं जो कि बेसिक फाउंडेशन को कवर करते हैं। तो ये सारे बैचेस हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों भाषाओं में अवेलेबल हैं। इसके सिवा अन अकेडमी का कॉम्बैट भी है, तो कॉम्बैट अगर आप देखें तो इसकी कॉस्ट हो जाती है आइकनिक सब्सक्रिप्शन के वेरियंट में और जीएस के वेरियंट में, दो प्लस वेरियंट में। तो इसकी कॉस्ट है 1 साल की ऑप्शनल के साथ कॉम्बो पैकेज है। आफ्टर यूजिंग द कोड के सी 1088,705 रुपीज, 2 साल की 1,31,510 रुपए, 3 साल की 1,67,220 रुपए। वहीं दोस्तों अगर आप प्लस वाला वेरिएंट ले जीएस का, तो इसकी कॉस्ट है 1 साल की 70,103 रुपए, 2 साल की 99,680 रुपीज, 3 साल की 1,21,200 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड के सी 10। तो जब भी आए यूज द कोड के सी 10, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ नहीं है, बेस्ट मेंटरशिप है, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग है, बेस्ट नोट्स है, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस एसए ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो विदाउट सेइंग जब भी ज्वाइन करें क्या कोड यूज करें, KC10। चलिए आज हम करने वाले हैं क्लाइमेटिक रीजंस, वर्ल्ड क्लाइमेटिक टाइप। तो सबसे पहले आप लोगों ने जीसी लियोंग में एक डब्बा देखा होगा क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर में, तो ये डब्बा बड़ा काम का है। ये डब्बा आपको वर्ल्ड के क्लाइमेट्स की जानकारी देता है। तो ये डब्बा एक कॉन्टिनेंट का परिचायक है। तो क्या करना है आपको, ये डब्बा एक स्टेंसिल की तरह उपयोग करना है। ये डब्बा को उठाएं और जाके किसी भी कॉन्टिनेंट पे रख दें। इसमें क्या है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड वाली लाइन है, इक्वेटर है, यानी ये 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की लाइन है, ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की लाइन है, ये 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये 65 डिग्री नॉर्थ पैरेलल है, और ये 90 डिग्री पोल्स का पॉइंट है। तो इस प्रकार से आप ये डब्बा उठाएं और किसी भी कॉन्टिनेंट पे रख दें। तो अगर आप देखें 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ, हर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में कैसा क्लाइमेट होना चाहिए इस डब्बा के अनुसार, डेजर्ट क्लाइमेट। तो क्या ये होता है, ये वाली लाइन क्या है, इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। और अगर आप देखें हर कॉन्टिनेंट के 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास वाले रीजन में, 30 डिग्री नॉर्थ यानी कुछ ये वाली लैटिट्यूड आपको दिखेगी। क्या हर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न भाग में क्या आपको डेजर्ट दिख रहा है, यहां पे अरेबियन डेजर्ट, ईरान का डेजर्ट, थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, मुआवे डेजर्ट दिख रहा है, वैसे ही 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ यानी यहां पे कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में क्या दिखना चाहिए, डेजर्ट दिखना चाहिए। अटाकामा डेजर्ट, नमीब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, क्या ये दिख रहा है, यानी कि क्या आप डब्बा पढ़ना समझ पा रहे हैं। तो हर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में 10 to 30 डिग्री लैटिट्यूड में आपको डेजर्ट दिखता है। डेजर्ट के ठीक ऊपर कैसी क्लाइमेट दिखनी चाहिए, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ठीक ऊपर, सदर्न हेमिस्फेयर में ठीक नीचे। सदर्न हेमिस्फेयर में क्या करोगे, डब्बा को नीचे घुमा दोगे इस एक्सिस पे, जैसे कि कागज होती है कुछ इस प्रकार से है, तो ये 0 डिग्री है, तो ये ऐसे है, तो इसको ऐसे कर दोगे, फ्लिप कर दोगे, समझ आया, फ्लिप कर दोगे, यानी डेजर्ट के पोलवर्ड मार्जिन पे क्या दिखना चाहिए, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट दिखनी चाहिए। क्या ये दिखती है, ठीक इसके ऊपर ये वाले रीजन पे क्या मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, जी साहब बिल्कुल है। क्या यहां पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, बिल्कुल है। क्या यहां पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, बिल्कुल है। क्या यहां पे है, बिल्कुल है। क्या यहां पे है, बिल्कुल है। तो अगर आप देखो तो हर कॉन्टिनेंट के ठीक पोलवर्ड जाओगे तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट दिखनी चाहिए, मेडिटेरेनियन के ऊपर देखोगे तो कैसा क्लाइमेट दिखना चाहिए, ब्रिटिश टाइप, ब्रिटिश टाइप,
ब्रिटिश टाइप सदर्न हेमिस्फीयर में बाकी कहीं होता ही नहीं है। तो क्या ये समझ पा रहे हो आप डब्बा कैसे इस्तेमाल करना है? ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? अगर वेस्टर्न मार्जिन में मेडिटेरेनियन टाइप है तो ईस्टर्न मार्जिन में क्या हो रहा होगा उसी लैटिट्यूड पे? चाइना टाइप। तो जल्दी से बताओ मुझे यहां पे कौन सा क्लाइमेट है? अलग कलर से दिखाता हूं, ये कौन सा क्लाइमेट होगा, 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 कौन सा क्लाइमेट होगा? हर कॉन्टिनेंट के 32-45 डिग्री लैटिट्यूड के ईस्टर्न मार्जिन में क्या होना चाहिए? चाइना टाइप क्लाइमेट होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? समझ आया? तो अब क्या आप डब्बा देख के, ये डब्बा याद कर लो, तो क्या आप क्लाइमेटिक रीजन समझ सकते हो? इस्तेमाल कर पाओगे इस डब्बे को? मान के चलूं, यही है मूल क्लाइमेटोलॉजी का, यही है मूल और कुछ नहीं है, बस इतना ही जानना है। अब चलिए इसको इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना है एनवायरमेंट के बाद, ठीक है? आपने कहा, मैंने सुना, करेंगे। चलिए तो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्लाइमेट हम देखने वाले हैं हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। हर कॉन्टिनेंट में 0 डिग्री टू 10 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर के पास ऊपर और नीचे, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, कौन सी क्लाइमेट होती है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। कौन सी क्लाइमेट है ये? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। तो हर कॉन्टिनेंट में आप देखोगे इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट दिखती है। तो ये अगर हम देखें तो 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर होता है। देखिए डब्बा लगभग सही है, रियलिटी में हल्का फुल्का बेंड आता है क्योंकि कुछ रीजन हाइट पे है, कुछ रीजन में कुछ बाकी चीजें एक्टिव हो जा रही हैं, तो लगभग डब्बा सही है, ठीक है? तो अगर हम देखें तो बहुत फेमस यहाँ के फॉरेस्ट हैं, तो यहाँ पे क्या है, अमेज़न फॉरेस्ट है। यहां पर आप देखोगे तो कॉन्गो वाला रीजन हो जाता है, यहाँ पे मलेशिया, मलय पेनिनसुला, इंडोनेशिया हो जाता है। तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट इक्वेटोरियल क्लाइमेट वाले रीजन। तो अब अगर आप देखें कोई रीजन इक्वेटर के पास होगा तो सनलाइट कैसी आती होगी यहां पे? परपेंडिकुलर स्लैंट भी होती होगी, तो जरा सी स्लैंट होती होगी, ज्यादा स्लैंट तो नहीं होती होगी, है कि नहीं? ये बात समझ आ रही है? इक्वेटर के पास है तो सनलाइट या तो परपेंडिकुलर आ रही है, और अगर स्लैंट भी हो रही है तो जरा सी स्लैंट हो रही है। तो क्या इस रीजन में गर्मी रहेगी साल भर? कितना ही स्लैंट होता है? जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चला जाता है तो इस रीजन में कुछ इक्वेटर पे कितनी स्लैंट हो रही है? 23 डिग्री की, लिटिल स्लैंट, बिल्कुल। तो क्या यहां पे विंटर और समर में खास वेरिएशन होता होगा टेम्परेचर का? क्या यहां पे बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने मिलेगा? अरे समर आ गई, सनलाइट एकदम परपेंडिकुलर है, अरे विंटर आ गई, सनलाइट बिल्कुल स्लैंटेड है ना? साल भर एक जैसा वेदर है, सनलाइट लगभग परपेंडिकुलर पड़ती है, तो क्या होता है, खास क्लाइमेटिक वेरिएशन आपको यहां पर नहीं देखने मिलेगा, साल भर गर्मी ही देखने मिलेगी। तो विंटर तो यहां पर नहीं देखने मिलते, रादर साल भर समर ही रहता है। कोई भी महीना ले लो, मंथली टेम्परेचर 24 से 27 डिग्री होता है, खास विंटर नहीं होती।
एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ले लो, साल भर में क्या कोई डिफरेंस दिखेगा? जनवरी जाओ, दिसंबर जाओ, जुलाई जाओ, लगभग एक जैसा टेम्परेचर दिखता है। तो एनुअल रेंज भी नहीं दिखती। एनुअल रेंज यानी अपना अहमदाबाद में मैं रहता हूं तो समर में हो जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर 48 डिग्रीज, विंटर में पड़ती है तो मैक्सिमम ठंड होती है तो पकड़ लो 9 डिग्री 8 डिग्री। तो एनुअल वेरिएशन कितना? 40 डिग्रीज। इक्वेटर पे कुछ नहीं, विंटर पे भी 27-25 डिग्री, समर में भी 35 डिग्री, 10 डिग्री का वेरिएशन है, खास वेरिएशन नहीं दिखता। तो एनुअल वेरिएशन नहीं दिखता, विंटर नहीं होती। अच्छा अब मुझे बताइए बारिश कैसी होगी यहां पे? साल भर गर्मी पड़ेगी। यदि साल भर गर्मी पड़ेगी तो साल भर सन की रोशनी इसको क्या करती होगी? दिन में सुबह सुबह सूरज निकला, गर्मी की गर्मी हुई, गर्मी के वजह से हवा क्या होगी? गर्म होगी। गर्म होगी तो डेली 3 बजे तक तो गर्मी से जमीन गर्म होगा, 4 बजते बजते हवा गर्म हो चुकी है, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, कैसी बारिश कराएगी? कौन सी बारिश? कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, फ्रंटल, जल्दी से बताओ कौन सी बारिश, कौन सी बारिश होगी? कौन सी रेन? कन्वेक्शनल रेन, ओरोग्राफिक रेन, फ्रंटल रेन, कौन सी रेन होगी? कन्वेक्शनल रेनफॉल डेली 4 PM होगा, लगभग डेली 4 PM होगा तो आप देखोगे कि आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल दिखेगी, रोज 4 बजते ही बारिश होनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार की बारिश आपको डेली दिखेगी तो दिस इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो रोज आपको दिखती है यहां पे बारिश। अच्छा कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी तो याद कीजिए, बताइए मुझे कैसा कैसी होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल? हैवी रेनफॉल, शॉर्ट ड्यूरेशन की या शॉर्ट रेनफॉल लॉन्ग ड्यूरेशन की? क्या होती है? 1 घंटे बारिश होगी लेकिन जोरदार बारिश, है ना, थंडर स्टॉर्म होगा, क्यूमलो निम्बस क्लाउड्स बनेंगे, बिजली चमकेगी, बारिश होगी। तो क्या होती है यहाँ पे? डेली बारिश होती है और सालाना अगर हम देखें तो बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है और साल भर होती है। अच्छा बारिश कौन से टाइम में सबसे ज्यादा होगी? जब ठंड सबसे ज्यादा होगी या जब गर्मी सबसे ज्यादा होगी? साल भर गर्मी रहती है लेकिन रिलेटिवली सबसे ज्यादा बारिश कब होगी? जब सबसे ज्यादा ठंड होगी या सबसे ज्यादा गर्मी होगी? कन्वेक्शनल रेनफॉल है तो तभी होगी सबसे ज्यादा बारिश जब हवा मैक्सिमम ऊपर उठे, मैक्सिमम ऊपर उठे। मैक्सिमम ऊपर कब उठेगी? जब गर्मी मैक्सिमम होगी, जब गर्मी मैक्सिमम होगी तो साल में गर्मी मैक्सिमम। अगर मैं इक्वेटर का रीजन ले लूं तो यहां पे गर्मी मैक्सिमम कब होगी? जब सन क्या हो जाएगा? इक्वेटर के ऊपर आएगा। जब इक्वेटर के ऊपर आएगा तो सनलाइट परपेंडिकुलर पड़ेगी, सबसे ज्यादा गर्मी होगी। तो साल के उन दिनों में क्या सबसे ज्यादा बारिश होगी? इक्वेटर में सन 2 बार ऊपर आता है जब हम स्प्रिंग और ऑटम मनाते हैं, 21 से 23 मार्च के बीच में और 21 से 23 सितंबर के बीच में। तो क्या इक्वेटर पर सबसे ज्यादा बारिश मार्च 20, 21, 22, 23 और सितंबर 20 से 23 के बीच में होगी, जिसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं? होगी। तो इक्वेटर पे डबल रेनफॉल पीक दिखेगा। साल भर बारिश होती है, ग्राफ बनाओगे महीने का, जैन फेब मार्च, लगभग
साल भर बारिश दिखती है समान, लेकिन मार्च में थोड़ी ज्यादा, फिर अप्रैल में वापस वैसी, फिर वैसी, फिर वैसी, फिर सितंबर आते ही वापस ज्यादा। तो इसलिए आपको क्या दिखेगा, डबल रेनफॉल पीक दिखेगी। कब दिखेगी? इक्विनॉक्स के टाइम दिखेगी। चलिए, अब अगर साल भर बारिश होगी तो क्या यहां पे पानी की किल्लत होगी कभी? क्या कभी पानी की किल्लत होगी? नहीं होगी, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल है, डेली बारिश है, तो भैया पानी की किल्लत तो नहीं होने वाली, आपको बारिश साल भर मिलेगी। तो क्या वेजिटेशन को, जंगल को कभी पानी बचाने की जरूरत पड़ेगी कि यार पानी बचाते हैं? एक टाइम आएगा साल में, जैसे अपने यहां सूखा पड़ता है अप्रैल, मई, मार्च, जून के बाद जाके कहीं बारिश शुरू होती है, तो पेड़ पौधों को क्या करना पड़ता है? उनको मालूम है 3 महीने आएंगे पानी नहीं होगा, 3 महीने में क्या कर देते हैं, पत्ते गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि पानी बचाना है। पत्तों से क्या होता है? इवेपो ट्रांसपीरेशन होता है, पानी पत्तों के स्टोमेटा से निकलता है, तो पत्ते ही पेड़ क्या कर देती है, गिरा देती है, पतझड़ का मौसम हो जाता है। तो क्या यहां पे ये सब नाटक करने की आवश्यकता है, पत्ते गिराने की क्या जरूरत है? नहीं। तो यहां पे वेजिटेशन कैसी होगी? एवरग्रीन, साल भर सदाबहार पत्ते रहते हैं, साल भर वेजिटेशन रहती है, जिस पेड़ को जब मन किया तब पत्ते गिराए, नए पत्ते लगा लिए। ऐसा कोई सीजन नहीं आता जब पानी की किल्लत होगी और पेड़ को पत्ते गिराने होंगे। तो वेजिटेशन कैसा है? लग्जीरियंट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बनेगी, लग्जीरियंट वेजिटेशन होगा, यानी बहुत घने जंगल होंगे। तो जंगल को सपोर्ट कौन करती है? प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है इकोसिस्टम की। तो किसी भी इकोसिस्टम पे, बेस पे कौन होता है? ऑटोट्रॉफ होते हैं। अगर ऑटोट्रॉफ होंगे तो वही ऊपर के हेटरोट्रॉफ को सपोर्ट करते हैं ना, इतना तो इकोलॉजी आपको पढ़ा दिया है, इतना क्या अच्छे से पढ़ा दिया है। तो अगर ऑटोट्रॉफ को सर्वाइव करना है तो इसको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो यहां पे तो साहब सनलाइट भी बहुत है, वाटर भी बहुत है, तो ऑटोट्रॉफ के लिए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अगर ऑटोट्रॉफ रहेंगे तो आप देखोगे उनके पास सनलाइट भी होगी, वाटर भी होगी, तो ऑटोट्रॉफ के लिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दोनों फैक्टर्स पर निर्भर करती है, तो दोनों अच्छे खासे हो जाएंगे। तो आप अगर देखें तो यहां पे लग्जीरियंट वेजिटेशन होती है। तो यहां पर आप अगर जंगल देखोगे तो कैसी होती है? लेवल्ड वेजिटेशन होता है, कुछ इस प्रकार से वेजिटेशन आपको दिखेगी। यानी क्या होता है, यहां पर आप देखो तो लेवल्स में दिखेगा, एक डोमिनेंट लेयर है जो कि सबसे ऊंचा लेयर होता है, फिर आप देखोगे तो आपको को डोमिनेंट लेयर दिखेगा, फिर आपको छोटे छोटे पेड़ पौधे दिखने शुरू होंगे। लेकिन एक चीज है, यहां पर सनलाइट, सनलाइट नहीं आ पाएगी जमीन तक। क्यों? क्योंकि पेड़ का कैनोपी लेयर है, छाते की तरह जमीन को पूरा ढक के रखता है, तो जमीन पर सनलाइट नहीं आ पाएगी। तो जमीन पे क्या होता होगा? अंधेरा होता होगा। तो सारे के सारे वेजिटेशन किसके लिए कॉम्पीट करते हैं? सनलाइट दिला दो बाबा, कोई तो दिला दो, कहां से तो ला दो। तो क्या करते होंगे? कुछ चतुर होते हैं जिनको हम कहते हैं एपीफाइट्स, वो क्या करते हैं? वो चले जाते हैं इन पेड़ के शाख पे,
और इसकी टहनी पे जाके नया पेड़ लगा लेते हैं, छोटे छोटे वेजिटेशन। इस पेड़ से बस सपोर्ट लेते हैं और सनलाइट ऊपर पे चढ़ के ले लेते हैं। ऐसे वेजिटेशन को क्या कहते हैं? एपीफाइट। एपीफाइट तो पेड़ पे टहनियों पे सपोर्ट लेते हैं और क्या लेते हैं? सनलाइट लेते हैं। जैसे जैसे आप अगर देखोगे तो ऑर्किड देखना कभी कैसे ग्रो करता है, ऑर्किड तो वो क्या होता है? एपीफाइट्स होते हैं। अच्छा, अगर जमीन में सनलाइट नहीं आएगी तो क्या जमीन पर घास होगा? क्या जमीन पर घास होगा? क्या जमीन पर घास उगेगा? नहीं, जमीन पर घास नहीं होगी। घास तो ऑटोट्रॉफ है, उसको सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। लेकिन इतने पेड़ हैं तो पेड़ के पत्ते तो भैया गिरेंगे, यानी ऑर्गेनिक मैटर तो आएगा। तो ऑर्गेनिक मैटर यदि गिरेगा तो जमीन पे डिकम्पोजर्स क्या होंगे? डिकम्पोजर्स क्या होंगे? डिकम्पोजर्स बहुत ज्यादा होंगे। तो यहां पर जमीन पर आपको कुछ मशरूम जैसे फंगी देखने मिलेंगे भारी मात्रा में। तो क्या देखते हैं? आपको मशरूम्स वगैरह देखने मिलेंगे। न्यूट्रिशन भी लेता है एपीफाइट? नहीं, अपनी फोटोसिंथेसिस करता है वो। वो बस पानी जो बारिश से गिरी, मॉइस्चर में जमा हुआ, उससे काम चला लेता है। तो वो नहीं लेता न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन अपना खाना बनाता है। तो वो पैरासाइट नहीं है। अगर न्यूट्रिशन लेता तो पैरासाइट होता, लेकिन वो पैरासाइट नहीं है। फिर अगर आप देखें तो यहां पर आप देखो तो बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। अगर प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजर ज्यादा क्यों? क्योंकि पत्ता बहुत घना जंगल है। घना जंगल है तो ढेर सारा क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक मैटर जमीन पर गिर रहा है। ऑर्गेनिक मैटर गिर रहा है मतलब उसके किसी के पास उसको किसी को तो उस रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना होगा। वो कौन करता है? डिकम्पोजर करेगा। अगर घास होती तो क्या होता? तो क्या होता? सनलाइट फोटोसिंथेसिस करनी होती, लेकिन वहां फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगी। लेकिन यहां पर डिकम्पोजर्स के लिए एप्ट इन्वायरमेंट है। तो जमीन पर आपको डिकम्पोजर्स दिखेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर गिर रहा है, उसको पचाना है। नेक्स्ट, अगर आप देखें यहां पर, अगर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है तो क्या होगा? इकोलॉजिकल निशेस कैसे बनेंगे यहां पे? मल्टीपल, वाइड, वाइब्रेंट। तो मल्टीपल इकोलॉजिकल निशेस बनेंगे। अगर मल्टीपल इकोलॉजिकल निशेस बनेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ये इकोसिस्टम बिल्कुल स्टेबल होगा, नंबर वन। नंबर टू, बायोडाइवर्सिटी क्या होगी यहां पे? बहुत हाई होगी, वेरी हाई, वेरी हाई। तो ये समझ आया? तो यहां पर मल्टीपल इकोलॉजिकल नेचर है क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए नेचर क्या करेगा? अलग अलग प्रकार के स्पेशलिस्ट बनवा देगा। किसी का काम है बस गिरे हुए पत्ते को बचाना, किसी का काम है बस फोटोसिंथेसिस करना, किसी का काम है ऊपर चढ़ के बैठ के सनलाइट लेना। तो अलग अलग स्पेशलिस्ट आते जाएंगे। वो बस एक पर्टिकुलर तरीके से ही इस इकोसिस्टम से न्यूट्रिशन लेना सीख जाएंगे। तो यहां पर बहुत हाई बायोडाइवर्सिटी है। तो अगर आप देखें तो यहां पे एक स्पीशीज के ट्री नहीं दिखती। एक छोटा सा रीजन भी अगर हम ले लें तो यहां पर अलग अलग प्रकार के इस रीजन में, यहां पे स्पीशीज 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने से रीजन में अलग अलग स्पीशीज ऑफ ट्री दिखेगी। एक प्रकार का ट्री
नहीं दिखेगा। कैसा होता है? बाकी इकोसिस्टम में देखोगे, यहां पर अगर आप देखोगे तो एक समान का इस प्रकार का कॉनिफरस वेजिटेशन दिखता है, एक समान का कॉनिफरस वेजिटेशन दिखता है, लेकिन इक्वेटोरियल रीजन में बहुत हाई डाइवर्सिटी देखने मिलती है। अच्छा, अब मुझे बताइए क्या इक्वेटोरियल क्लाइमेट में लुम्बरिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई है? लुम्बरिंग इंडस्ट्री नहीं डेवलप होती इक्वेटोरियल क्लाइमेट में, यानी पेड़ काटने वाली इंडस्ट्री, फर्नीचर बनाने वाली, तो लुम्बरिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप हुई है? इतने अच्छे जंगल हैं उसके बावजूद क्यों यहां पे लुम्बरिंग इंडस्ट्री नहीं डेवलप हो पाई है? कोई बताएगा? क्या कारण है जो यहां पे लुम्बरिंग इंडस्ट्री नहीं डेवलप हुई है? हाई वेराइटी। अगर मुझे कमर्शियल यूज के लिए लकड़ी चाहिए तो एक समान का वेजिटेशन होना चाहिए, तो ही मैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर पाऊंगा। तो एक कारण तो आपको मैंने दे दिया कि यहां पे क्या है, हाई वेराइटी ऑफ वेजिटेशन है। नंबर टू, और क्या कारण है बताइए। नोमैडिक पीपल लिव हियर। नहीं, और कुछ कारण सोचिए। क्या जंगल बहुत डेंस है तो क्या मैं लकड़ी को इजीली रोड बना के ट्रांसपोर्ट करवा पाऊंगा? क्या रोड से ये जंगल काट के लकड़ी दूर तक क्या मैं ट्रांसपोर्ट करवा पाऊंगा? साहब, नहीं करवा पाऊंगा। तो डेंस वेजिटेशन है, ये भी एक कारण है। अच्छा, रोड नहीं तो नदी के थ्रू तो ट्रेवल करवा सकता हूं, यहां नदियां तो बहुत होंगी, रोज बारिश होती है, तो नदी में क्यों नहीं मैं लकड़ी गिरा देता हूं और नदी से ही फ्लोट करते हुए लकड़ी सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंच जाएगी। तो ये लकड़ी इतनी भारी होती है, इक्वेटोरियल वेजिटेशन में आपको मिलता है हार्डवुड। ये हार्डवुड इतना भारी होता है कि लकड़ी को पानी में गिराओगे तो डूब जाएगा, फ्लोट नहीं करता, बिल्कुल भारी होता है। तो ये भी एक कारण है। इसके सिवा ये इलाके कैसे हैं, तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी से देखो तो डेवलप्ड इकोनॉमीज नहीं है। तो यहां पे जो टेक्नोलॉजी है आज भी अगर आप देखो तो क्या है, पुराने टाइम की प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है, तो इस वजह से भी लुम्बरिंग इंडस्ट्री नहीं डेवलप हो पा रही। तो इक्वेटोरियल रीजन्स अगर हम देखें तो इकोनॉमी की बात करें तो यहां पे लुम्बरिंग इंडस्ट्री नहीं दिखती। यहां पर आप देखो तो आपको प्लांटेशन क्रॉप्स देखने मिलेंगे। प्लांटेशन क्रॉप्स कैसे? तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप देखो तो जब कोलोनियल टाइम्स थे तो कोलोनियल मास्टर्स को क्या चाहिए था, वो किस पर बेस्ड थे? कंसेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब क्या करो, रॉ मटेरियल मंगवाओ अपने देश में, प्रोसेस करो और इन देशों को बेच दो, यही था पर्पस। तो इन इलाकों में उन्होंने रॉ मटेरियल के प्लांटेशन करने शुरू किए, लाइक कोकोवा, लाइक रबर, लाइक कॉफी। तो ये सारे प्लांटेशंस आपको दिखेंगे, रबर प्लांटेशंस, कोकोआ प्लांटेशंस, कॉफी प्लांटेशंस। तो ये ट्रॉपिकल क्रॉप्स है, इक्वेटोरियल रीजन में ग्रो करते हैं, पानी भी है और साथ साथ प्लांटेशन क्रॉप्स है। तो ये कोलोनियल पीरियड में लगाया गया, आज तक यहां पर ये होता हुआ आपको दिखेगा। कोकोआ आज भी यहां उगती है, कॉफी आज भी यही उगती है, रबर आज भी यही उगती है, तो प्लांटेशन क्रॉप्स आज भी आपको दिखेंगे। इसके सिवा यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है क्योंकि बहुत घने जंगल हैं, इस घने जंगल में बड़े बड़े शहर आपको बसे हुए नहीं दिखते। साथ साथ आप अगर देखें तो
इन फॉरेस्ट में प्रिमिटिव पीपल रहते हैं। प्रिमिटिव पीपल मतलब इंडिजिनस पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन, जिनमें से कई तो हंटर एंड कलेक्टर हैं। इंडिया में भी देखे तो अंडमान निकोबार में जरावा ट्राइब्स क्या है, हंटर गैदरर्स हैं। शॉम्पेन, सेंटिनलीज, ये सब क्या है, हंटर गैदरर्स हैं। तो वैसे ट्राइब्स आपको काफी दिखेंगे, और थोड़े से जो एडवांस्ड ट्राइब्स हैं वो क्या करते हैं, हंटर गैदरर तो एग्रीकल्चर ही नहीं करते, आज भी वो हंटिंग करते हैं और उसी से बुश वगैरह से बेरी चुरा बेरी लेते हैं, फल लेते हैं, जानवरों को हंट करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। थोड़े से जो एडवांस्ड है वो क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है भाई, कि जंगल है, जंगल में लगाई आग, जंगल हुआ राख, इसका सारा मिनरल गया राख बन के मिट्टी में, मिट्टी क्या हो गई, फर्टाइल, अब इसमें उगा दो, अब इसमें करो खेती, कुछ टाइम तक करो खेती, जब तक इसके पास मिनरल, जब तक ये सॉइल फर्टाइल है, 5-6 साल बाद अगले ट्रैक में मूव कर जाओ, अब इस जंगल को जलाओ, इस जंगल को जलाओ और वापस यहां पर खेती करो और इसको कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दो। तो यहां पर आप देखोगे ना, तो मलेशिया में जो ये क्या होगी, एक बार जंगल में आग लग जाएगी, खेती हो जाएगी, उसके बाद जमीन क्या हो जाएगी, बैरन, ये जमीन हो गई नंगी बैरन। अब इस पे जो सक्सेशन होगा, ये कौन सा सक्सेशन कहलाता है, प्राइमरी सक्सेशन या सेकेंडरी सक्सेशन, कौन सा सक्सेशन है ये, कौन सा सक्सेशन है, प्राइमरी या सेकेंडरी, बताइए। शीतल आप तो पढ़ी है मैं जानता हूं, बताइए, सेकेंडरी सक्सेशन, अभी तो पढ़ाया है आप लोगों को 3 दिन पहले। तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या होती है, बिल्कुल फास्ट होती है। तो मलेशिया में जो सेकेंडरी सक्सेशन से वेजिटेशन आई है मलेशिया में, उसको कहते हैं बेलुकार, बेलुकार, बेलुकार। तो सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन होने में कई थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे, कुछ मिलियन ऑफ ईयर्स में जाके फाइनली वैसी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनी। लेकिन यहां पे वो होने में, क्लाइमेक्स आने में बस कुछ 100 साल लगे। तो सेकेंडरी सक्सेशन से जो जंगल बन रही है, जो वेजिटेशन हो रहा है, वो प्राइमरी सक्सेशन की तरह डाइवर्स नहीं होगा, उतना स्टेबल नहीं होगा। तो बेलुकार्स क्या है, कम डाइवर्स हैं, कम स्टेबल हैं। समझ आया, समझ आया, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट समझ आया। कहानी समझ आई, अच्छा, क्या इक्वेटोरियल क्लाइमेट में साइक्लोन्स बनते होंगे, क्या ये रीजन साइक्लोन से इंपैक्टेड होता होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या आते होंगे। इक्वेटोरियल क्लाइमेट अगर आप देखें तो यहां पे साइक्लोन्स का इंपैक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए क्या चाहिए, कोरियोलिस फोर्स। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनते, अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनेंगे। इक्वेटर पे क्या है, कोरियोलिस फोर्स इज इक्वल टू 2V ओमेगा sin of the latitude वैल्यू। तो 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी साइन ऑफ जीरो, तो साइन 0 0 यानी जीरो, तो कोरियोलिस फोर्स नहीं है तो यहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी आपको नहीं दिखते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल मॉनसून एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। सर बस बाकी कल, ना ना भैया 20 मिनट बाकी है, ऐसा ना करें।
20 मिनट है जल्दी। वैसे भी मॉनसून हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं जब हम मॉनसून टॉपिक करेंगे। तो अगर आप देखें ट्रॉपिकल मॉनसून एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट्स की बात करें तो ये पाया जाता है कहां पे, डब्बा देखो, 10 से 30 डिग्री लैटिट्यूड ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। हर कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन में 10 to 30 डिग्री लैटिट्यूड्स में मॉनसून टाइप क्लाइमेट देखने मिलता है। तो ये देख लो भैया, ये देख लो क्या है मॉनसून क्लाइमेट, हर कॉन्टिनेंट के 10 to 30 डिग्री में ईस्टर्न मार्जिन में कहां कहां पाया जाता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप जानते ही हैं, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया यानी साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ये सब है मॉनसून क्लाइमेट। इसके सिवा इसी का एक वेरिएंट है जिसे कहते हैं मरीन क्लाइमेट, जो कि पाई जाती है सेंट्रल अमेरिका में, इस रीजन में, वेस्ट इंडीज में, कैरिबियन आइलैंड्स में, फिलीपींस में, पार्ट्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका में, ये सब कौन से क्लाइमेट है। तो ये वाला जो क्लाइमेट है दिस इज ट्रू मॉनसून, और बाकी जो डार्क में आपको दिख रहा है दिस इज मरीन क्लाइमेट, मरीन क्लाइमेट। तो अगर आप देखो टेम्परेचर कैसी होती होगी, इक्वेटर के पास है तो गर्म होती है, लेकिन विंटर भी दिखेगा क्योंकि थोड़ा सा टिल्ट होना शुरू हो जाता है जब सन ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन पे होगी, तो 23.5 के पास में 53 डिग्री का टिल्ट हो जा रहा है, 56 डिग्री का टिल्ट हो जा रहा है, तो काफी अच्छी खासी विंटर्स भी ठीक ठाक देखने मिलेगी अपर रीचेज में। तो यहां पे इसकी जो यूनिक खासियत है मॉनसून क्लाइमेट, अगर आप देखें तो मॉनसून क्लाइमेट में जो इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी कि इन क्लाइमेट में आप देखोगे विंड्स अपनी दिशा बदलते हैं सीजन के साथ। तो इस इलाके में ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट दिखता है। क्यों बदलते हैं विंड्स, जब मॉनसून करेंगे तो समझेंगे, अभी इसको ब्लैक बॉक्स की तरह लेके चलिए, बस ऐसा होता है। क्यों बदलते हैं, सारी थ्योरी करने वाले हम, जेट स्ट्रीम से लेके सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होगा आज के टाइम तक, इंडियन ओशन डाइपोल से लेके मेडन जूलियन ऑसिलेशन सब कुछ समझ लेंगे। तो अगर आप देखें तो वार्म ड्राई समर होता है और 3-4 महीने में ही सारी बारिश होती है। क्यों होता है समझेंगे। तो यहां पर जो बारिश होती है 4 महीने में होती है, एनुअल रेनफॉल देखें तो 4 महीने में होती है, और साल में कुछ टाइम में साइक्लोनिक भी बारिश होती है, साइक्लोन्स भी काफी इंपैक्ट करते हैं इन इलाकों को। एवरेज एनुअल रेनफॉल लगभग 150 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जैसे जैसे आप कोस्ट से दूर होते जाते हो मॉनसून कुछ कम होती जाती है। तो ट्रू मॉनसून की बात करें तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स होती हैं, और यहां पे आप देखो तो नॉर्थ वेस्ट मॉनसून विंड्स होती हैं जो बारिश कराती हैं। कैसे कराती हैं, ब्लैक बॉक्स समझने वाले हैं मॉनसून क्लाइमेट के टाइम पे। अच्छा अब मुझे अगर बताइए, यहां पे बस 4 मंथ बारिश होती है, तो अगले 3 महीने तक बारिश तो ठीक ठाक, ठीक ठाक बारिश नहीं हो रही, लेकिन जमीन में, मिट्टी में नमी तो रहेगी, यानी वेजिटेशन के पास पानी रहेगा। फिर बाकी के 5 महीने क्या हो जाएंगे, बारिश नहीं, जमीन में नमी भी नहीं, मिट्टी में नमी भी नहीं, और उसमें सीजन आ जाएगा अप्रैल मई, गर्मी बहुत ज्यादा, इवेपो ट्रांसपिरेशन लॉस बहुत ज्यादा, तो पेड़ को क्या करना होगा, पेड़ को क्या करना होगा पानी कंजर्व करने के लिए, पानी कंजर्व करने के लिए पेड़ क्या करेगी, पत्ते, पत्ते बताइए भाई, ऐसे थोड़ी लीव शेड होंगे, पत्ते गिराना पड़ेगा। तो
अंग्रेज बोलते हैं पत्ते कब गिरते हैं? ऑटम मंथ में। अभी कुछ दिन पहले था ऑटम मंथ, मैंने नहीं देखे पत्ते गिरते हुए अपने यहां। मैंने देखा है पत्ते गिरते हुए मोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट इंडिया में अप्रैल में, अप्रैल एंड मई। क्यों? क्योंकि वही टाइम है जब बारिश नहीं होती है, पत्ते उसको गिराने पड़ते हैं। अंग्रेजों के यहां बारिश की किल्लत होती है जब जमीन, जब ठंड ज्यादा हो जाए, जब ठंड ज्यादा हो जाए तो सॉइल की जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाती है? जम जाती है। अगर वो फ्रीज हो जाएगा तो ऊपर जो पेड़ है वो पानी नहीं खींच पाएगा। तो उसके यहाँ ऑटम ऑनवर्ड्स पानी की किल्लत होने लगेगी, सितंबर ऑनवर्ड्स पानी की किल्लत होने लगेगी, तो उनके पेड़ पत्ते गिराते हैं। अपने पेड़ तो सितंबर में मस्त जीते हैं, जस्ट अभी मॉनसून गई है, खूब नमी है। अपने यहाँ किल्लत होती है अप्रैल मई में। तो ट्रीज क्या है? पतझड़ करते हैं, यानी डेसीडुअस है, डेसीडुअस है। फॉरेस्ट अगर हम देखें तो उतने खास लग्जीरियंट नहीं होते, खास घने नहीं होते। होते हैं घने लेकिन इक्वेटोरियल क्लाइमेट की तुलना में उतने घने नहीं होते। तो जो वेजिटेशन पाया जाता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट में, वो वेजिटेशन कौन सा है इक्वेटोरियल क्लाइमेट में? महोगनी, इबोनी, ग्रीन हार्ट, डाई वुड्स, कैबिनेट वुड्स। अपने यहां अपने घर के पास देखो, टीक मिलेगा, शीशम मिल सकता है, टीक। तो कैसा वेजिटेशन दिखेगा? लार्जली टीक, यूकलिप्टस, साल, एसेसिया, ये सारे पेड़ आपको देखने मिलेंगे। तो टीक, टिम्बर किसका दिखेगा? टीक का दिखेगा, साल का दिखेगा, यूकलिप्टस का दिखेगा। तो इस वेजिटेशन में काफी अच्छी खासी टीक की प्लांटेशंस देखने मिलेंगी। कौन सा कंट्री है जिसकी टीक बहुत फेमस है? कोई कंट्री का सुना है टीक बहुत फेमस है? दुनिया भर में उसका टीक एक्सपोर्ट हुआ करता था। बर्मीज टीक है ना, जो म्यांमार का टीक है वो बहुत फेमस है। तो खूब यहां पे टीक मिलती है और उस टीक से लुम्बरिंग इंडस्ट्री भी देखने मिलेगी एंड अच्छा खासा आपको वेजिटेशन भी यहाँ पे टीक का फॉरेस्ट भी दिखेगा। कुछ इलाकों में साल, एसेसिया, यूकलिप्टस भी दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया वाले क्लाइमेट में एसेसिया आपको दिखेगा। बर्मा टीक वुड, बर्मीज टीक। इसके सिवा आप देखो तो इन इलाकों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डेंस पॉपुलेशन है। तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे? खूब एग्रीकल्चर करते हैं। कैसा एग्रीकल्चर होता है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। लार्जली लार्जली पैडी कल्टीवेशन होती है, यानी चावल है ना, पैडी कल्टीवेशन होती है, पैडी कल्टीवेशन होती है, धान की खेती, धान की खेती आपको दिखेगी तो यहां पे। और इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब अंग्रेजों के यहां देखोगे ना तो इतना बड़ा, अमेरिका जाओगे तो ये जो खेत है ये खेत हो सकता है 1,000 एकड़ का। इस 1,000 एकड़ में 5 लोग काम करते हैं। क्या करते हैं? मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर। एक प्लेन चला, प्लेन से ही पेस्टिसाइड की छिट छिट दिया, फर्टिलाइजर प्लेन से छिट दिया, मशीन लेके, थ्रेशर लेके गया, यहां से वहां तक चलाता गया, फसल काटता गया। अपने यहां क्या होता है? 1 एकड़ छोड़िए साहब, 1 एकड़ भी छोड़िए, अपने यहां ना 0.5 हेक्टेयर की भी खेती, मेजोरिटी फार्मर्स इससे भी कम की जमीन में मिलेंगे। 0.5 हेक्टेयर की जमीन है बट उसमें 20-25 लोग काम कर रहे हैं। क्या करेंगे? सब कुछ हाथ से हो रहा है, मशीन्स लेके हैं लेकिन मेजरली 20-25 लोग हैं। खूब पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, खूब फर्टिलाइजर डाल रहे हैं और इंटेंस तरीके से जमीन का यूटिलाइजेशन है। तो क्या कहेंगे? कैसी एग्रीकल्चर है? इंटेंसिव, यानी रिसोर्स इंटेंसिव है। वो रिसोर्स फिर चाहे फर्टिलाइजर हो, फिर चाहे पेस्टिसाइड हो, फिर चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, सब कुछ बहुत इंटेंसली है।
छोटी सी जमीन से भी बहुत खेती करवाई जा रही है, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है। क्या क्रॉप उगाए जाते हैं? राइस उगाया जाता है, शुगर केन उगाया जाता है, ब्राजील में भी बहुत ज्यादा, इंडिया में भी बहुत ज्यादा। वैसे ही आप देखें तो जूट कल्टीवेशन होती है, यहां कुछ प्लांटेशन इंडस्ट्रीज भी दिखेंगी, लाइक टी प्लांटेशन काफी फेमस है मॉनसून रीजन में, टी प्लांटेशन दिखेंगे, कुछ कॉफी प्लांटेशन दिखेंगे, कॉटन के प्लांटेशन दिखेंगे, शुगर केन प्लांटेशन दिखेंगे, तो ये सब भी यहां पर होती हुई दिखेगी। तो यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? इतने में कोई भी डाउट? सबको सब कुछ समझ आया? तो देखिए ये सब रटना नहीं है, सब कुछ लिंक है, कहानी है, कहानी सुन लिए, लिंक हो गया तो सब समझ जाएंगे। चलिए जल्दी से रिफ्रेश करते हैं, रिवाइज करते हैं आज जो जो हमने पढ़ा। हमने पढ़ा सबसे पहले ये डब्बा जीसी लियोंग में आपको मिलेगा, पेज नंबर बता रहा हूं, नोट डाउन कीजिए, जाके देखना है आप सभी को ये डब्बा, पेज नंबर 114 दिख रहा है ये डब्बा, यही डब्बा मैंने दिखाया है आपको यहाँ पे, कुछ अलग नहीं दिखाया है, तो यही डब्बा देखिए, पेज नंबर 114 पे है। इस डब्बे में अगर आप देखें तो इसको पढ़िएगा, इसको समझिएगा, इसके बाद हर एक क्लाइमेट पे जीसी लियोंग ने अलग अलग चैप्टर्स डेडिकेट किए हैं, उस चैप्टर्स की ही समरी मैंने आपको सुनाई है, तो वो डब्बा देखिए और उसके बाद, ये डब्बा आपको याद होना चाहिए, उसके बाद चैप्टर्स शुरू कीजिए एक एक करके, हर चैप्टर पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मॉनसून पे, सूडान पे, सब पे एक एक चैप्टर है, पढ़ना शुरू कीजिए। आज पढ़िएगा इक्वेटोरियल और मॉनसून, ये दोनों आपको पढ़ना है। तो हमने डब्बा देखा, क्लाइमेट में कैसे पढ़ना है, इसको एज अ स्टेंसिल यूज करना है, हर कॉन्टिनेंट पे रखते जाना है और आपको वहां का क्लाइमेट पता चलता जाएगा। आप बोलोगे साहब नॉर्थ अमेरिका में तो 0 to 10 degree लैटिट्यूड में कुछ है ही नहीं, तो नॉर्थ अमेरिका में इक्वेटोरियल क्लाइमेट नहीं है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में इक्वेटोरियल क्लाइमेट ही नहीं है मतलब, तो इसको एज अ स्टेंसिल उठाइए रखते जाइए। उसके बाद हमने देखा इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट हमने देखा कहां पाया जाता है, 0 degree to 10 degree क्या होती है वहां पे बारिश, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, यानी हाई इंटेंसिटी रेनफॉल बट शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल, डेली बारिश होती है, डेली शाम के 4 बजते हैं खूब बारिश होती है और बिजली बिजली सब कड़कती है। यहां पर फिर हमने देखा वेजिटेशन कैसा होता है, एवरग्रीन होता है, लेकिन वेजिटेशन बहुत ज्यादा डेंस होती है। फिर हमने देखा इक्वेटोरियल वेजिटेशन में कि यहां पर ज्यादा लुम्बरिंग इंडस्ट्री नहीं डेवलप की है। फिर हमने देखा इक्वेटोरियल क्लाइमेट में कि भाई यहाँ पे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जमीन तक सनलाइट नहीं पहुंचती, तो जमीन पे डिकम्पोजर्स लाइक फंगी बहुत ज्यादा होते हैं। इसके सिवा लियानाज एंड एपीफाइट होते हैं, लियानाज क्या होते हैं, वो जो टारजन जिसपे झूलता था ना, ऊपर से टहनी निकलती है पेड़ की, बरगद का पेड़ से कैसे टहनी निकलती है, तो इसी को कहते हैं लियानास, तो लियानास देखने मिलता है, एपिफाइट देखने मिलता है, और यहाँ पे हंटर गैदरर्स भी आपको दिखेंगे ट्राइब्स में, प्लांटेशन क्रॉप्स भी यहाँ पे है, कोलोनियल टाइम से लगाए जा रहे हैं। फिर हमने देखा मॉनसून क्लाइमेट एंड मरीन क्लाइमेट, तो मॉनसून क्लाइमेट आप देखो तो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, मरीन क्लाइमेट अगर देखो तो अमेरिका एंड अफ्रीका में पाई जाती है, तो सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज यानी कैरेबियन आइलैंड्स एंड ईस्ट अफ्रीका, मेडागास्कर वाले रीजन में पाई जाती है, तो यहाँ पे 3 महीने में ही बारिश होती है, तो इसलिए साल भर क्या होती है, समर रहता है और लेटर पार्ट ऑफ समर में जाके बारिश होती है, तो अर्ली समर से पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो यहाँ वेजिटेशन कैसी होती है, डेसीडुअस होती है। फॉरेस्ट कैसे हैं, ओपन है रिलेटिवली और उतने खास डेंस नहीं है, लेस लग्जूरियंट है, पीपल यहाँ पे एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, और यहाँ पे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स राइस, शुगर केन, जूट आपको देखने मिलता है। ये सब आपको आज हमने कवर किया है, तो कल इसी की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, बाकी के क्लाइमेटिक रीजंस भी पढ़ेंगे। तो जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और सबसे लॉजिकल तरीके से
प्रॉपर तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी यूपीएससी सीएससी की अंडर माय मेंटरशिप। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड उनको भी बोले जब ज्वाइन करें तो यूज द कोड KC10। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज 10 बजे क्विज भी होगी तो वहां पर भी आपसे मुलाकात होगी, तो जरूर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।